हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लव यू गार्डनिंग। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पर्पल कलर का एक प्लांट। ये प्लांट फ्लावरिंग भी करता है। इसमें 3 पेटल फ्लावर्स निकलते हैं लाइट पर्पल कलर के, और जिनका शेप कुछ हार्ट शेप का होता है, इसलिए इस प्लांट को बुलाते हैं पर्पल हार्ट। इसका बायोलॉजिकल नेम ट्रेडिस कैंडिया पैलिटा, बिलोंगिंग टू फैमिली कोमिलिनेसी। इस प्लांट की सबसे ज़्यादा खास बात है इसका पर्पल कलर। जब पूरी ग्रीनरी में ये पर्पल कलर अलग से दिखता है तो इसकी ब्यूटी और ज़्यादा इंग्रेव्ड होकर निकलती है। ये फोकस पॉइंट बन जाता है, नज़र इस पर ही जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्पल हार्ट की कंप्लीट केयर के बारे में और इसके यूसेज के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है किसी प्लांट के बारे में जानना कि उसे कैसे और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाया जा सकता है। इसका प्रोपेगेशन भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका कलर टर्निंग पॉइंट। तो ये कलर टर्निंग पॉइंट क्या है, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है, तो इसे कम पानी, तेज़ धूप और इसका सॉइल मिक्सचर बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए, जैसे कि बाकी सकुलेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये प्लांट बहुत ही फ्रेजाइल नेचर का प्लांट होता है। इसे बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करना होता है, बहुत प्यार से हैंडल करना होता है, क्योंकि अगर इसे थोड़ा सा भी हार्श हैंडलिंग की तो इसकी स्टेम्स टूट जाती हैं। ये बहुत ही नाजुक है। इसकी इधर दिखाती हूँ मैं, एक स्टेम टूट भी गई है। तो इस प्लांट को इंडोर नहीं रखना है, इसे बाहर ही रखना है, जिससे इसे पूरे दिन की तेज़ धूप मिलती रहे। अब वाटरिंग को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बारिश के टाइम पर आप इसमें बिल्कुल पानी मत दीजिएगा, क्योंकि बारिश में मिट्टी में मॉइस्चर रहता है और एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी रहती है, तो इतना मॉइस्चर इसके लिए सफिशिएंट है। विंटर्स के टाइम में आप 10 दिन में पानी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन समर्स में आप उसको तभी पानी दीजिएगा जब आपको लगे कि मिट्टी पूरी सूख गई है, तब आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी दीजिएगा। थॉरली वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब चलते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैवी फीडर्स नहीं होते हैं। आप इन्हें साल में 2 बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, जब हम बाकी प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, 1 फरवरी और सितंबर के महीने में, और चाहें तो बीच बीच में भी इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन इस प्लांट को फर्टिलाइज़ करते टाइम पर आपको एक बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि इसे कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी इसे ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है, इसे कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और जैसा कि मैं अपने बाकी के वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आप इसमें वुड ऐश डालिए, वो बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है, पौधे को बीमारियों से बचाता है और उसमें बहुत अच्छा ग्रीन कलर भी लाता है। लेकिन आपको इस पौधे में वो वुड ऐश का पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इसमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र से पौधे में अच्छा ग्रीन कलर आता है। तो इसमें अगर वो ग्रीन कलर आने लगेगा तो इसकी स्टेम्स ग्रीनिश हो जाएंगी, इसकी लीव्स भी ग्रीन कलर में टर्न होने लगेंगी, और फिर ये प्लांट सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ब्यूटी ही इसका पर्पल कलर है। तो इसके पर्पल कलर को हम बिल्कुल भी लूज़ नहीं कर सकते। अब इंसेक्टिसाइड्स की तरफ चलते हैं। तो ये प्लांट इंसेक्ट्स फ्री होता है, इसमें कोई भी इंसेक्ट अटैक देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें इंसेक्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के यूसेज की, कि इसे हम कहाँ कहाँ और कैसे लगा सकते हैं। तो इस सेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये छोटी छोटी जो कटिंग्स हैं, इसको निकाल करके हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये क्योंकि अलग कलर है, ग्रीनरी में ये एकदम अलग से दिखाई देता है, तो इसको लैंडस्केपिंग में अच्छे से यूज़ करते हैं। आप इसे बॉर्डर बनाने के काम में यूज़ कर सकते हैं, इसे हेज लगा सकते हैं। और मैंने इस प्लांट को यहाँ पर 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि इस प्लांट ने अपने पॉट की 3 टाइम्स हाइट गेन कर ली है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं और इसे कोई सपोर्ट दे देते हैं तो ये क्लाइंब कर जाएगा। तो ये क्लाइंब तो कर जाएगा, लेकिन ये बुशी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए जितनी इसकी हाइट गेन होती जाती है, लीव्स इसकी कम होती जा रही हैं। आप नीचे के पोर्शन में देखिए तो ये नीचे ज़्यादा बुशी है, इसमें नई नई लीव्स निकलती रहती हैं, लेकिन जो ब्रांचेस ज़्यादा लंबी हो गई हैं उनकी लीव्स ऐसे ख़राब होकर के इसकी शेडिंग हो जाएगी। तो मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, मैंने इसे बहुत सारे सपोर्ट देने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो मैं अभी इसकी कटिंग करूँगी और आज इसी वीडियो में इसका प्रोपेगेशन भी करूँगी। तो सबसे पहले तो हमारी जो ब्रांच टूट गई थी, हम उसको हटा लेते हैं।
और जो पोर्शन हमारे बाहर निकल कर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं इनको कट करके इसकी कटिंग बना लेते हैं। तो पहले ये कटिंग्स लगाने के लिए पॉट हमारा बिल्कुल तैयार है और इसका पॉटिंग मिक्सचर वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे कि हम सकुलेंट्स के लिए करते हैं, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा बजरी। इसमें खाद मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है क्योंकि ये लाइट फीडर्स प्लांट हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो कटिंग्स भी यहाँ पर छोटी छोटी तैयार कर ली हैं, तो अब इसे लगाना शुरू करते हैं। अगर आपको सिर्फ कटिंग लगानी है और कटिंग लगाने के बाद आप उसे रिपॉट करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 इंच के गमले में भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा कटिंग लगानी है इसलिए मैंने यहाँ पर 9 इंच का बड़ा गमला लिया हुआ है। इसे बस मिट्टी में ऐसे हल्का हल्का लगा करके और प्रेस करते रहना है। इस कटिंग की नोट पर देखिए लीफ भी आ रही है, ये सेल्फ प्रोपोगेट हो रही है। ये वाला पोर्शन लीफ से कवर था ही, इसलिए ये पूरा ग्रीन है अंदर से। अभी जैसे ये लाइट में एक्सप्लोर होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये काफ़ी लंबी है, इसे कट कर देते हैं और काट के छोटा कर देंगे। तो हमारी सारी कटिंग्स लग चुकी हैं, इसमें जल्दी ही रूट्स डेवलप हो जाती हैं और जब रूट्स डेवलप हो जाएं तब आप इसे यहाँ से रिपॉट करके कहीं और भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं? तो जब इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो आपको इसमें ग्रोथ दिखाई देने लगेगी, इसमें नई नई लीव्स जल्दी ही आने लगती हैं। लेकिन मैंने ये कटिंग्स रिपोर्ट करने के लिए नहीं लगाई हैं, मैं इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी, उन्हें गिफ्ट करूंगी, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसके कलर टर्निंग पॉइंट की, जिसके लिए वीडियो आपने यहाँ तक देखा हुआ है। तो ये कलर टर्निंग पॉइंट है क्या? ये प्लांट कलर भी चेंज करता है। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं या शेड में रख लेते हैं, पार्शियल शेड में भी अगर रखते हैं जहाँ थोड़ी सी धूप आती हो फिर पूरे दिन की छांव आती हो, तो ये प्लांट अपना कलर चेंज कर लेता है और ग्रीन कलर का हो जाता है। लेकिन उस टाइम ये सुंदर नहीं लगता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि आप इसे इंडोर बिल्कुल मत रखिएगा, इसे बाहर ही रखना है जहाँ पर पूरे दिन की तेज़ धूप इसे लगती रहे, जिससे इसका पर्पल कलर और भी ज़्यादा निखर के आएगा। पर्पल हार्ट पर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अच्छा लगा है, इसीलिए देखा है तो वीडियो लाइक शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और खूबसूरत प्लांट के साथ। बाय बाय।